फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि मार्टिन लूथर ने जो है अपने 95 थीसिस लिखे क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट उन्होंने अपनी जो है स्टेटमेंट्स दी, वो स्टेटमेंट्स उन्होंने अपनी 95 थीसिस में लिखी। अब जो बच्चों इन्होंने अपनी जो 95 थीसिस जो लिखे वो इन्होंने जो है ये चर्च की डोर के ऊपर पेस्ट कर दिए और प्रीस्ट को और जो उनकी एस्टेब्लिश अथॉरिटीज थी उनको बुलाया कि उनके साथ आकर वो डिस्कशन करें। अब बच्चों ऐसा था कि उनकी जब थॉट्स जो है वो सोसाइटी में जो फैलने लगी, जिससे क्या हुआ उनके कुछ फॉलोअर बन गए। उनके फॉलोअर बनने से क्या हुआ, क्रिश्चियन सोसाइटी की डिविजन हो गई। अब वहां पे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स दो तरह के लोग मिलने लगे। ऐसे तो बच्चों क्रिश्चियन सोसाइटी में की एक और ब्रांच है जिनको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो बहुत पुराने विचारों के हैं, वो जो है अपने विचारों से बिल्कुल नहीं हटते, ऑर्थोडॉक्स वो लोग भी मिलते हैं। लेकिन उनके अलावा अब क्रिश्चियन सोसाइटी में हमें कैथोलिक और जो है प्रोटेस्टेंट्स दो तरह के लोग जो है वो मिलने लगे। जो कैथोलिक लोग थे वो फुली जो थे वो चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह थे उनके साथ फेथफुल थे, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये जो थे ये बाइबल को मानते थे, गॉड को मानते थे, और जो है चर्च की जो जितने भी रिचुअल हैं या चर्च की एस्टेब्लिश अथॉरिटीज के बनाई हुई जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे उनको कोई विश्वास नहीं था। अब बच्चों ये बात आपकी बुक में हमने जो है ये मार्टिन लूथर के बारे में आपकी बुक में क्यों लिखा, आपकी बुक में ये बात इसलिए लिखी ये बताने के लिए कि प्रिंटिंग का जो है वो कैसे असर हुआ। मार्टिन लूथर जो इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने भी प्रिंटिंग को एप्रिशिएट किया, उन्होंने भी प्रिंटिंग को सराहा। देखो बच्चों इन्होंने कहा, सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोस्फियर एंड हेल्प्ड स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। अब ये किसके वर्ड्स हैं, ये मार्टिन लूथर के वर्ड हैं, मार्टिन लूथर के वर्ड्स हैं। मार्टिन लूथर ने कहा कि प्रिंट ने जो है सोसाइटी में इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल वाइज इंटेलिजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिससे कि सोसाइटी में लोग इस बात को अंडरस्टैंड करने के काबिल हुए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और बच्चों इस प्रिंट को सिर्फ मार्टिन लूथर ने ही अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी बुक में ये दिखाया हुआ है, ये जे.वी. शेले एक राइटर पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर थे। अब बच्चों आपने पढ़ा कि जो है ये जो है प्रिंट कल्चर को बुक्स बनी और प्रिंट कल्चर में आया, और ये भी पढ़ा कि वो प्रिंट कल्चर की जो वो बात कहना चाहते थे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू भी उसको एग्जिबिट किया। और बच्चों जही एक पेंटिंग देखो दिखाई गई है, ये देखो पेंटिंग में ये बताया गया है कि प्रिंटिंग मशीन गॉड खुद लेकर आ रहे हैं, ये बताया गया है कि जो गॉड दे आर डिसेंडिंग विद द प्रिंटिंग मशीन ऑन द अर्थ, वो जमीन पर प्रिंटिंग मशीन लेके आ रहे हैं, अर्थात जो गॉड है उन्होंने ये गिफ्ट दिया है। अगर अर्थ पे ये जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग आरंभ हुई ये गॉड का ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जो है ये प्रिंटिंग के आने से अब जो है लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो गई, लोग अब रीजनिंग से और अपनी विजडम को यूज करके जो है वो सोचेंगे और वो उसी तरह से एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। और साथ में ही बताया गया है टू गॉडेस, एक गॉडेस जो है मिनर्वा, ये गॉडेस मिनर्वा है, इधर से जो है गॉडेस मरकरी है, जो गॉडेस मिनर्वा है ये गॉडेस ऑफ विजडम है, और गॉडेस मरकरी जो है ये विजडम, ये गॉडेस ऑफ द रीजनिंग। अब जो है ये बता रही है दोनों गॉडेस, एक विजडम की जो बुद्धि की है इंटेलेक्चुअल की जो गॉडेस है वो मशीन को लेकर आ रही है, दूसरी गॉडेस जो है रीजनिंग की, हम रैशनल थिंकिंग के साथ सोचें और जो है अपनी रैशनल थिंकिंग के साथ सोचकर अपनी जिंदगी बताएं। ये दोनों जो गॉडेस हैं भूस मशीन को खुद लेकर जमीन पे आ रही हैं, और जो है ये देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द मैनी इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन द अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द प्रिंट। यू कैन सी द प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम द हेवन कैरिड बाय द गॉडेस ऑन टू साइड्स ऑफ द गॉडेस
ब्लेसिंग्स द मशीन, दोनों पकड़कर मशीन को ला रही हैं और ब्लेस कर रही हैं कि ये मशीन नीचे आकर प्रिंटिंग खूब फले फूले। और मिनर्वा द गॉडेस ऑफ द विजडम, हु इज मिनर्वा, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हु इज मिनर्वा, मिनर्वा इज द गॉडेस ऑफ विजडम, एंड हु इज मर्करी, मर्करी इज द मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स शी इज ब्रिंगिंग द मैसेज, मैसेज ऑफ रीजनिंग, मैसेज ऑफ रैशनल थिंकिंग, जो है शी इज द मैसेंजर गॉड, ऑल्सो सिंबलाइजिंग रीजन, और जो है क्या रीजन को सिंबलाइज कर रहे हैं, ये रीजन को सिंबलाइज कर रहे हैं मशीन, अगर जो वो रीजन को सिंबलाइज कर रही है कि हमें जो है जो मर्करी कह रही है रीजन के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, बिना सोचे समझे हमें किसी बात को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है द वोमेन इन द फोरग्राउंड, और सामने जो औरतें बैठी हुई हैं, जो औरतें बैठी हुई हैं आर होल्डिंग प्लैक्स, प्लैक्स हो गए तख्ते, तो जो है अपने हाथों में उन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई हैं, विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ द सिक्स पायोनियर प्रिंटर्स, बड़े बड़े जो श्रेष्ठ प्रिंटर हैं उनकी ये इन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई हैं, ये पकड़ी हुई हैं, एंड वन वन एंड एंड इन द मिडल ऑन द ग्राउंड लेफ्ट इज द पोर्ट्रेट ऑफ द गटन वर्क, ये जो एनसर्कल्ड जो है ये पोर्ट्रेट है, ये गटन वर्क का पोर्ट्रेट है, गटन वर्क जिसने मशीन लाई है उसका भी पोर्ट्रेट जहां पर बना हुआ है। अब बच्चों प्रिंटिंग जब कितनी तरह ऐसे फ्लोरिश कर रही थी, ऐसे बढ़ रही थी, उसी समय जो रिलीजियस थिंकर्स थे उनके बीच में डर बैठ रहा था, उनके बीच में डर बैठ रहा था कि अब मशीन के आने से लोग जो है, मशीन के आने से लोग जो है उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, उनका फेथ जो है वो कम हो जाएगा, लोग अब उनके वैसे फेथफुल नहीं रहेंगे, अब लोगों को उन पर इतना विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स निकालनी शुरू की, उन्होंने भी अपनी तरह से लोगों को ये बताना आरंभ किया कि ये पेंटिंग जो आ रही है, ये पेंटिंग आना कोई अच्छी बात नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये पेंटिंग आने से लोगों के विचार अगर बदल के रिलीजियस फीलिंग्स खत्म हो गई, अगर इरेशनल लोग हो गए, लोगों की इरिलीजियस हो गए तो उनके विचार बदल जाएंगे और जो है दुनिया में जो है ये जो है दुनिया में अच्छी तरह से दुनिया काम नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया जो है चर्चिस के साथ जुड़ी हुई है, प्रीस्ट के साथ जुड़ी हुई है, जो प्रीस्ट कहेंगे वही सही है, इसलिए जहां पर एक मैकर्वे डांस बताया हुआ है, मैकर्वे हो गया वेरी डेंजरस, जो है भयानक डांस, भयानक डांस क्या बताया है इन्होंने, बताया है जो स्केल्टन्स बताए हुए हैं, ये मशीनों को, ये जो बुड ब्ला, ये जो मशीन हैंडल पकड़ कर काम हो रहा है, प्रिंटिंग निकल रही है, इधर जो है बुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, वो भी स्केल्टन्स कर रहे हैं, इंसान नहीं है, इंसानों की दुनिया समाप्त हो जाएंगी, जहां स्केल्टन्स की दुनिया होगी, उन्होंने इतने भयंकर उन्होंने भी पिक्चर्स बनाई लोगों को डराने के लिए पेंटिंग, कि लोग ये समझ आए कि वो चर्चिस के साथ ही जुड़े रहे, चर्चिस से अलग हो, ये है यहां पे मैकर्वे डांस, मैकर्वे डांस यहां लिखा हुआ है, दिस 16th सेंचुरी प्रिंट शोज हाउ द फियर ऑफ द प्रिंटिंग वाज ड्रामेटाइज्ड, जब प्रिंटिंग को ड्रामेटाइज किया गया है लोगों को डराने के लिए, एक ऐसे पिक्चर ड्रामा बनाकर ये पिक्चर बनाई गई है, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम, इन दिस हाईली इंटरेस्टिंग वुड कट द कमिंग ऑफ द प्रिंट इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को उन्होंने किसके साथ जोड़ा, एंड ऑफ द वर्ल्ड, लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो जमीन से ट्रुथ खत्म हो जाएगी, लोग जो है तभी ठीक रह सकते हैं अगर वो चर्च की सेंस, चर्च की प्रैक्टिस के साथ चलें, चर्च की जो जो भी एडवाइस आती है वैसे चलें, उसी को मानकर चलें तभी चलेंगे, अगर वो चर्च के अगेंस्ट होंगे तो वो दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। द इंटीरियर ऑफ द प्रिंटर्स वर्कशॉप हेयर इज द साइट ऑफ द डांस ऑफ द डेथ, ये बताया हुआ है जो डेथ का डांस है, स्केल्टन्स बने हुए हैं और जो डेथ का डांस बताया हुआ है। बच्चों देखो किस प्रकार से जो प्रिंटिंग को जो है ये जो एस्टेब्लिश अथॉरिटीज थी उन्होंने किस प्रकार से प्रिंटिंग को हुई पेंटिंग्स के विजुअल पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को डराने की कोशिश की। अब एक्चुअल बच्चों यही था रियालिटी, यही थी कि प्रिंटिंग के आने से अब दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ रही थी, एक चेंज आ रही थी, लोगों की सोच भी बदल रही थी, लोग जो है अब रीजनिंग के साथ जो है वो चल रहे थे, सोच रहे थे। आज बच्चों हम इतना पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे कि जो है इनकी जो सोच थी उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।